हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसू वर्मा और आज हम लोग अपने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की क्लास का अगला लेक्चर पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी ज़रूरी हैं, वापस थोड़ा सा देखना ज़रूरी है कि हम लोगों ने क्या पढ़ा अभी तक। हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ पढ़ लिया और मैंने कूलॉम्स लॉ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव करना भी बता दिया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग चार्जेस की वजह से कैसे निकालेंगे। और मैंने आपको कूलॉम्स लॉ में एक पॉइंट नोट करवाया था कि कूलॉम्स लॉ को हम लोग हमेशा वहीं पर अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पर हमारे चार्जेस कैसे हों, डिस्क्रीट पॉइंट चार्जेस हों। जैसे देखिए कैसे चार्जेस हों, ऐसे पॉइंट चार्जेस, वहीं पर हम लोग कूलॉम्स लॉ को अप्लाई कर सकते थे। पर हमारी लाइफ में हमेशा चार्जेस जो है पॉइंट चार्जेस जैसे नहीं होते। जैसे हमारी लाइफ में हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी पर चार्ज है, पर वो चार्ज कैसा है, हमारी पूरी बॉडी पर फैला हुआ है। क्या हम लोग एक पॉइंट के साइज के हैं क्या? नहीं। तो रियल लाइफ में आपको जितने भी एग्जांपल्स मिलेंगे, आप कहीं भी देख लीजिए, एक मेटल का बॉल है, इस पर चार्ज बहुत सारा फैला है, क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं। पॉइंट चार्ज ये तब होता जब मेटल बॉल की जो रेडियस है आर, इसको बहुत छोटा कर देते, इतना छोटा, ये हो जाता पॉइंट चार्ज, है ना। हमारी लाइन पर कोई चार्ज फैला हुआ है, ये एक बार है कोई, है ना, मेटल का, इस पर चार्ज फैला हुआ है, क्या ये पॉइंट चार्ज है? नहीं, है ना। हमारे कोई सरफेस है, हमारा ये कोई सरफेस है, है ना, या फिर हमारा ये मेटल का बॉल है, इसके सरफेस पर ऊपर फैला हुआ है चार्ज, तो क्या ये सारी चीज़ें हमारी पॉइंट चार्जेस हैं? नहीं। तो इनकी वजह से हम लोग, अब अगर यहाँ पर हम लोग एक चार्ज रख दें क्यू, यहाँ पर रख दें, तो इसकी वजह से इस पर फोर्स कैसे आप लिखेंगे? कूलॉम्स लॉ को लगाइए, कैसे लगाएंगे आप? लगा ही नहीं पाएंगे क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है ही नहीं। तो क्या आप लोग ये लिख सकते हैं के क्यू, और इस पर अगर टोटल चार्ज हम लोगों ने मान लिया क्यू टू, इस पर मान लिया क्यू वन, तो आप लोगों ने लिख लिया क्यू वन क्यू टू, आप डिस्टेंस कौन सी लेंगे? अच्छा, आप लोग कई बार सोच रहे होंगे कि इसका सेंटर, अगर इसके से यहाँ से इसके सेंटर की डिस्टेंस एक्स है तो यही ले देंगे एक्स स्क्वायर, है ना, इसके सेंटर की डिस्टेंस। नहीं, टोटली गलत, ऐसा नहीं होता, है ना। तो ऐसे अब यहाँ पर एक हम लोग चार्ज रख दें तो कैसे आप लोग इसकी वजह से आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे इस चार्ज की वजह से यहाँ पर, यहाँ, या फिर इस चार्ज पर फोर्स कैसे निकालेंगे? यहाँ पर अगर हम लोग एक चार्ज रख दें तो इस सब चार्ज की वजह से यहाँ पर फील्ड कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे? इसके लिए हम लोग कूलॉम्स लॉ को अप्लाई डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें कूलॉम्स लॉ में कुछ मॉडिफिकेशंस करने होंगे, है ना। अब उन्हीं मॉडिफिकेशंस की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम लोग इन चीज़ों को कैसे फाइंड कर सकते हैं, ऐसे चीज़ों पर कूलॉम्स लॉ को कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, आज के लेक्चर में हम लोगों को पहले ये समझना ज़रूरी है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कितने टाइप्स का होता है, है ना, चार्ज हमारा कितने तरीके से फैल सकता है किसी सरफेस पर। उसके बाद हमें पहले ये तो पता होना चाहिए कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, सरफेस पर है, ऐसे फैला है, कैसे फैला है, तभी हम लोग आगे जो है अपने कूलॉम्स लॉ को देखेंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप लोग आज हेडिंग डालिए कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हम लोगों ने डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कूलॉम्स लॉ हम लोगों ने इन पर लगाया, एक पॉइंट ये था, इस पर इधर की ओर, इधर की ओर, इधर की ओर, है ना। अब हमारा चार्ज कैसा होगा? कंटिन्यूस चार्ज होगा। जब कंटिन्यूस होगा तो पॉइंट चार्ज कभी भी नहीं हो सकता। जैसे कि देखिए, ये कंटिन्यूस यहाँ से फैलना स्टार्ट हुआ, चार्ज पूरे में फैला हुआ है, ये कैसा चार्ज? कंटिन्यूस चार्ज, है ना। ये डिस्क्रीट चार्ज सिस्टम हमारा नहीं है, ये पूरा स्फीयर है, इसके सरफेस पर फैला हुआ है, ये भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। कोई डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कि एक एक पॉइंट पर अलग अलग रखा हुआ पॉइंट पर, ना। तो हेडिंग डालिए आप लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक। चलिए, सबसे पहला आता है हमारा लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पहला, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। इसको हम लोग लैम्डा से हमेशा दिखाते हैं, आप याद रखिए, इसको हमेशा कैसे दिखाते हैं? लैम्डा से। और इसका फार्मूला होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लैम्डा इक्वल टू होता है हमारा टोटल चार्ज अपॉन टोटल लेंथ। देखिए, अगर हमारे पास ये कोई बार है, एक है ना, इसकी लंबाई हमारी एल है, और इस पर चार्ज कितना फैला हुआ है? क्यू, है ना।
तो इस बार पर जो हमारा चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, जिसको हम लोग कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? इस पर हमारा जो है लैम्डा इज इक्वल टू होगा क्यू अपान एल। ठीक है, क्यू अपान एल। देखिए इस चीज़ को डिफाइन करने का, ये जो मैं फार्मूले वगैरह लिख रहा हूँ, इसको डिफाइन करने का यूज़ क्या है? देखिए पहले आप एक चीज़ में यूज़ समझिए, फिर आगे के तीनों चीज़ों में, जो आगे मैं और भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगा, उनमें आप आसानी से समझ जाएंगे। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपान एल, इसकी यूनिट देखिए क्या है, चार्ज अपान डिस्टेंस। अगर इसमें हम लोग डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन और करवा दें तो सिर्फ क्या बचेगा? चार्ज। अगर यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन करवा दें तो सिर्फ क्या बचेगा? चार्ज, है ना। देखिए इस फार्मूले का यूज़ क्या है, अगर हमें एक यहाँ पर बहुत छोटा सा पोर्शन लें, इतना छोटा पोर्शन, ये छोटा सा पोर्शन ना, इस पर हमें चार्ज फाइंड करना हो, हमें पता करना हो कि टोटल चार्ज तो इस पर क्यों है, पर इस पर अगर हमें चार्ज पता करना हो कि उस चार्ज का कितना पोर्शन इस पर है, तो ये इसी चीज़ को निकालने के लिए हम लोग ये डिफाइंड करते हैं, कैसा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस में सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेंगे, जिसको हम लोग सिग्मा कहेंगे, है ना। अगर छोटे से एक सरफेस पर हमें निकालना हो चार्ज, तो देखिए सबका सिस्टम सेम है, आप ये वाला समझिए। अगर हम लोग इसकी लेंथ पता कर लें, अगर ये हमारी लेंथ पता चल जाए कि छोटी सी लेंथ है हमारी कोई डी एल, है ना, डी एल, एक्चुअली डी इसमें मल्टीप्लाई नहीं है, एल में डी अगर किसी वर्ड के आगे लिख दिया गया तो मतलब उस वर्ड से जो चीज़ आप डिफाइंड कर रहे हैं क्वांटिटी, एल से हम लोग क्या डिफाइंड कर रहे हैं, लेंथ, डी लगा दी मतलब बहुत छोटी सी लेंथ ये, तो अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करा दें सिग्मा, सॉरी लैम्डा इंटू डी एल, तो इसका क्या, इसका यूनिट क्या होगा टोटल? चार्ज, क्योंकि डी एल का यूनिट भी लंबाई है और नीचे जो हमारा ऑलरेडी डिस्टेंस था, है ना, ये दोनों डिस्टेंसेस हैं तो कट जाएंगी, तो सिर्फ क्या बचेगा? चार्ज, है ना। तो अगर हमें किसी भी छोटे से एलिमेंट पर अगर हमें चार्ज निकालना हो तो वहाँ पर हम कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के केस में लैम्डा यूज़ करेंगे। ठीक है, अब देखिए पहला केस समझना बहुत ज़रूरी, बाकी सारे एनालॉगस हैं आप आराम से कर ले जाएंगे, तो पहला समझना ज़रूरी है, है ना। अब देखिए मैंने आपको कूलॉम्ब्स का लॉ पढ़ाया था और फिर मैंने उसी से इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला डिराइव किया था, मैंने कहा था के क्यू अपान आर स्क्वायर, है ना, के क्यू अपान आर स्क्वायर, ये अगर कोई चार्ज है क्यू, इसकी वजह से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये था। पर देखिए अब अगर हमारा चार्ज कैसा हो जाता है, ऐसा ऐसा, तो इसकी वजह से कैसे लिखेंगे? देखिए अब हमारा क्यू जो है छोटा सा नहीं है, हमारा क्यू जो है काफ़ी सारा फैल गया है, लंबाई में फैल गया, तो हम लोग इसको लिखेंगे के अपान आर स्क्वायर, है ना, के अपान आर स्क्वायर। और क्यू को क्या लिखेंगे हम लोग? क्यू को देखिए इस पर बहुत छोटा सा चार्ज, डी क्यू इसको तो क्या लिखेंगे? लैम्डा डी एल, इस चार्ज को लिखेंगे। देखिए इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझिए, और थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है। ये हमारा कोई पॉइंट है P, है ना। अब अगर सोचिए हमें कि इसकी वजह से हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड तरीका है कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड करेंगे। वो तरीका है हमारा कि इस पर पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी डिफाइन करिए, मान लीजिए लैम्डा है ना, तो इस पर चार्ज कितना हो जाएगा? लैम्डा डी एक्स, इसकी लंबाई हम लोगों ने कितनी मान ली? डी एक्स, छोटे से पार्ट की, है ना। अगर इसकी टोटल की लंबाई एल है, ठीक, तो देखिए इस पॉइंट से हम इसकी डिस्टेंस लेंगे एक्स, है ना, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, एक्स पर जाके आप डी एक्स लंबाई का छोटा सा पोर्शन लीजिए, है ना। अब डी एक्स ये इतना छोटा होता है, इतना छोटा हम लोगों ने इसको कट कर दिया कि ये जो है पॉइंट चार्ज जैसा हो गया, इस पर बहुत ही कम चार्ज है, इतना कम चार्ज कि वो कैसा बिहेव करने लगा हमारा चार्ज, पॉइंट चार्ज के जैसा। तो अब सोचिए इसकी वजह से तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिख पाएंगे, क्योंकि ये तो हमारा पॉइंट चार्ज बन गया, ये इतना छोटा इसलिए पोर्शन लिए कि हमें ठीक से वो दिखाई तक नहीं देगा, है ना, इतना छोटा पोर्शन। तो अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखिए, बहुत छोटा सा चार्ज लिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगी? बहुत छोटी, इसको डी ई लिखेंगे हम लोग ना, डी ई वेक्टर लगाइए, क्या लिखेंगे? के, इस पर
फार्मूला क्या होता है के क्यू। अब इस पर क्यू क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा हमारा लैम्डा डी एक्स, समझ रहे हैं ना आप। अब क्यू को हम लोग लिखेंगे लैम्डा डी एक्स, सॉरी डी क्यू को लैम्डा डी एल, हमने यहाँ पर लंबा डी एल लिया था, यहाँ पर डी एक्स लिया तो लिख लेंगे लैम्डा डी एक्स, है ना, अपान डिस्टेंस क्या है एक्स स्क्वायर, है ना। अब इंटीग्रेशन हम लोग इसका कर देंगे। आपको ये समझना जरूरी है कि इंटीग्रेशन का हम लोगों का यूज़ क्या होता है। देखिए अगर हमारे पास एरिया जो है ऐसा है, आप लोग तुरंत इसको बता देंगे कि एरिया इसका कितना है, टू अगर ये है थ्री टू थ्री टू जो सिक्स सिक्स मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है ना। पर अगर एरियाज ऐसा हो, ऐसा एरिया कि जिसमें साइड जो है कोई स्टैंडर्ड ज्योमेट्री की ना हो, देखिए वेरी कर रहा है, तो आप इसके एरिया कैसे लिखेंगे। इसके एरिया हम लोग जो है इंटीग्रेशन से लिखते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब होता है कि अगर हमें इन्फाइनाइट नंबर ऑफ चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को छोटा छोटा करके जोड़ना हो, बहुत छोटे छोटे पीसेज में जोड़ना हो, है ना, तो हम लोग उस जोड़ने के तरीकों को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब, इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है जोड़, है ना। तो अगर हम लोग इसके छोटे छोटे पोर्शन को लें, ये एक छोटा सा पोर्शन, ये एक छोटा सा पोर्शन, ये एक छोटा सा, इसी तरह से इसके लगभग लगभग 10,000 छोटे छोटे पोर्शंस करें, है ना, उन सबको अगर हमें जोड़ना हो तो हम लोग इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो इसी तरह से अगर छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना है हमें, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो आपको ये बेसिक बेसिक थोड़ी सी चीज़ समझ में आई, अभी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो चलिए, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जहाँ पर लिखाया था उसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया आपका के लैम्डा डी एल अपान लैम्डा डी एक्स लिख लीजिए ना, अपान एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आप लोग लिखिए, एक्स कैप लिख लीजिए एक्स की डायरेक्शन में, है ना, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। अब दूसरा जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन आता है, जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिलेगा, वो मिलेगा आपको सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये हमने एक फुटबॉल लिया, फुटबॉल के सरफेस पर हमने चार्ज पूरा बहुत सारा बिखरा दिया, वो कैसा हो गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये इसके सरफेस पर हम लोगों ने अगर सिर्फ चार्ज डाल दिया, या फिर हमारा ये सरफेस है, ये सब चार्ज डिस्ट्रीब्यू डाल दिया है ना, तो इसमें हम लोग सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लिखेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यू, इसको हम लोग दिखाते हैं सिग्मा से, सिग्मा का साइन ऐसे बनता है ना, और इसको क्या लिखेंगे, क्यू अपान ए। यहाँ पे हम लोगों ने क्यू अपान ए लिखा था क्योंकि लीनियर था, यहाँ पर सरफेस है तो यहाँ पर एरिया लिखेंगे, ठीक है। अब अगर हमें छोटे से एरिया पर, इसका एरिया कितना मान लिया डी ए, इस पर हमें चार्ज फाइंड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा इंटू डी ए, इस पर जो हमारा चार्ज डी क्यू है वो कितना होगा, सिग्मा इंटू डी ए। आई होप कि आपको क्लैरिटी होगी। तो अब अगर हमें सरफेस चार्ज दिया हुआ है, सरफेस, और छोटा सा हम लोग कहीं पे सरफेस लें, ये छोटा सा है ना, तो बहुत छोटा सा सरफेस लें इतू सा, तो वो क्या हमारा पॉइंट चार्ज जैसा काम करेगा, काम करेगा। अब इसकी वजह से मान लिया हमारा ये पॉइंट P है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो आप आसानी से लिख लेंगे, अब तो आपका पॉइंट चार्ज है ना ये, डी ई इक्वल टू क्या लिखेंगे K। अब डी क्यू को क्या लिखेंगे, डी क्यू को लिखेंगे आप सिग्मा डी ए, सिग्मा डी ए अपान, ये डिस्टेंस सपोज हमारी आर है, तो ये नीचे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, इसकी डायरेक्शन आर कैप। बात समझ में आ गई आपको, सरफेस चार्ज डेंसिटी निकालना आ गया ना, ये हमारा सरफेस। तो आप सरफेस चार्ज जहाँ पर, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले को ऐसे लिखेंगे। अब बात आती है वॉल्यूम चार्ज की, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए हमारा कोई ये वॉल्यूम है, फुटबॉल है, उसके अंदर जो खोखला नहीं है, वो सारा भरा हुआ है ना, और उस अंदर पूरे में क्या हुआ है, एक समझ लें लिक्विड भरा हुआ है, वो लिक्विड क्या है हमारा, चार्ज है पूरा। तो उस लिक्विड का बहुत छोटा सा पार्ट अंदर कट, सोचिए उसको हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत छोटा छोटा सा पार्ट, उसको लिखेंगे डी वी, है ना, बहुत छोटा सा वॉल्यूम डी वी हो गया। इसकी वजह से हम इसको, हम देखिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग लिखते हैं रो से, इसको हम लोग कहते हैं रो, आर ओ,
मुझे स्पेलिंग तो ढंग से नहीं यहाँ पर याद है, ROW शायद होता होगा, इसको हम लोग रो कहते हैं ना, इसको हम लोग रो कहेंगे। अब इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर इसकी वजह से हम लोग कहीं पर लें, डी इज इक्वल टू के क्या हो जाएगा, रो डी वी अपान, अगर ये डिस्टेंस आर है तो हो जाएगा आर स्क्वायर आर कैप। आई होप कि आपको ये तीनों चीज़ें करनी समझ में आई होंगी। मैं आपको इस पर भर भर के न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आपको सारी क्लियरिटी आ जाएगी। पहले आज हम लोग एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे, ठीक, तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मैंने अपना ऑफिशियल इंस्टाग्राम का नीचे लिंक भी दे रखा है, आप मुझे जाके वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए देखिए, एक हम लोग आज प्रॉब्लम करेंगे। अब हमारे पास एक ये सर्कल का एक हाफ सर्कल है ना, हाफ सर्कल है ये, अगर कंप्लीट कर दें टोटल फुल सर्कल हो जाएगा, तो हमारी ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आर रेडियस, है ना। इस पर हम लोगों ने मान लिया कि हमारा टोटल चार्ज कितना है, क्यू, है ना। देखिए कई सारी प्रॉब्लम्स में आपको दे दिया होगा, लंबाई अलग से दे दिए होंगे, कह देंगे इतनी लंबाई है और चार्ज अलग से दे दिए होंगे, है ना। कई बार आपको डायरेक्ट डेंसिटी बता देंगे कि इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, तो चाहे आपको लैम्डा दे दे चाहे क्यू दे दे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अब ये एक बहुत छोटी सी हमारी बहुत पतली सी एक स्ट्रिप है, पट्टी है ना, इसमें चार्ज हमारा फैला हुआ है, तो कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो सेंटर पर, यहाँ पर, है ना, यहाँ पर सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो मैंने क्या बताया था, इसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर लिख ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे, हमारे स्टैंडर्ड प्रोसीजर क्या है, हम लोग एक बहुत छोटा सा पार्ट लेंगे, कहीं पर भी एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, इसकी लंबाई हम लोगों ने कितनी लिख ली, डी एल, ओके, इसकी लंबाई हम लोगों ने लिख ली डी एल। अब इस पार्ट को इससे मिलाइए, इस पार्ट को इससे मिला दीजिए, ये लंबाई कितनी होगी, ये भी आर होगी क्योंकि रेडियस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इधर, है ना। ये हम लोगों ने लाइन ड्रॉ कर ली, ये एंगल, ये आर है डिस्टेंस, ये एंगल हम लोगों ने मान लिया कितना, थीटा, इस लाइन से एंगल हम लोगों ने मान लिया कितना, थीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा, ठीक। अब यहाँ पर मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर कोई भी वेक्टर किसी फिक्स्ड डायरेक्शन में ना हो, देखिए ना तो ये एक्स में है, ये एक्स डायरेक्शन है हमारा, और ये डायरेक्शन वाई, माइनस वाई और ये वाई, है ना, तो ना तो एक्स में है ना तो वाई में है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को कंपोनेंट्स में तोड़ लेंगे, इसको एक्स कंपोनेंट तोड़ेंगे एक, अच्छा इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखेंगे डी ई, बहुत छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड ना, इसको एक्स में तोड़ लेंगे और वाई में तोड़ लेंगे, फिर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हर एक पार्ट की वजह से एक्स का एक्स में जोड़ते चले जाएंगे, वाई का वाई में जोड़ते चले जाएंगे, तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा डी ई, देखिए वो कंपोनेंट एंगल से दूर का कंपोनेंट, मैंने आपको निकालना बताया था साइन थीटा, और ये क्या हो जाएगा डी ई कॉस थीटा, है ना। अब वेक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोगों ने स्पेशली इस एक्स डायरेक्शन में ले लिया ना, तोड़ दिया कंपोनेंट, तो अब यहाँ पर इधर वेक्टर का साइन मत लगाइए, है ना। तो देखिए एक्स का कंपोनेंट हम अलग ऐड करेंगे, वाई का कंपोनेंट हम लोग अलग ऐड करेंगे, ठीक। देखिए ई टोटल एक्स, है ना, एक्स की डायरेक्शन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, के, इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा डी एल, समझ में आ रही बात आपको, इस पर लैम्डा डी एल चार्ज हो जाएगा, लैम्डा डी एल, फिर हमारा साइन थीटा है, फिर नीचे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, है ना। चलिए इसको इंटीग्रेट करिए, इंटीग्रेट क्यों, हमें छोटे से पोर्शन की वजह से थोड़ी ना सिर्फ चाहिए, हमें पूरे पोर्शन की वजह से चाहिए, तो पूरा पोर्शन कवर करने के लिए हमारा थीटा, देखिए यहाँ पर एल है यहाँ पर थीटा, यहाँ पर एल हम लोगों ने ले रखा है लंबाई और थीटा ले रखा है, ये दोनों को इंटीग्रेशन के अंदर जो है हमेशा एक टर्म होना चाहिए, तभी आप लोग इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो हमारा या तो एल को थीटा में बदल लो या तो थीटा को एल में बदल लो। तो देखो ये इसकी लंबाई कितनी है डी एल, आप यहाँ पर देखिए
ये कुछ ऐसा है, इसकी लंबाई कितनी है डी एल, तो अगर ये थीटा है तो ये छोटा सा कितना हो जाएगा एंगल डी थीटा, और हमें पता है कि ये आर्क, देखो ये आर्क, इस आर्क की लंबाई डी एल, डी एल को क्या लिखते हैं आर डी थीटा, है ना। ये अगर हमारा थीटा है, ये हमारा आर है, तो इसकी लंबाई क्या लिखते हैं आर थीटा, है ना। पर ये बहुत छोटा हो एल बराबर आर थीटा, तो क्या हो जाएगा डी एल बराबर आर डी थीटा, है ना। तो अब देखिए डी एल को क्या लिख सकते हैं आर डी थीटा, देखिए चलिए यहाँ पे लिखिए के लैम्डा आर डी थीटा साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, आर आर आपका कैंसिल हो गया ना, कॉन्स्टेंट टर्म्स को बाहर ले आइए, क्या है के लैम्डा अपान आर, इंटीग्रेशन में क्या बचा के लैम्डा अपान आर बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा साइन थीटा डी थीटा, साइन थीटा डी थीटा, ठीक। अब नीचे लाइए इसको, देखिए मैं नीचे लिख रहा हूँ के लैम्डा अपान आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना। अब हमें थीटा कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, ये छोटा पोर्शन यहाँ से कवर करके ये टोटल पोर्शन यहाँ तक, तो थीटा जब यहाँ वाला पोर्शन आप काउंट करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा जीरो डिग्री, और जब यहाँ पर जाएंगे आप थीटा तो कितना हो जाएगा टोटल पाई, ये टोटल थीटा कितना होगा पाई, पाई क्या हो जाएगा माइनस के लैम्डा अपान आर, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन, कॉस जीरो की वैल्यू माइनस वन, क्या हो जाएगा माइनस टू, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका टू के लैम्डा अपान आर, है ना। के की वैल्यू आप लोग रख सकते हैं वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट। तो आपका एक्स कंपोनेंट समझ में आया निकालना, अब हम लोग देखेंगे इसका वाई कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का टोटल हमें एक्स डायरेक्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर पता चल गया, अब हमें निकालना है वाई कंपोनेंट। देखिए मैं इसे रफ कर देता हूँ, देखिए इसे वाई कंपोनेंट हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ पे करिए कॉस थीटा y कंपोनेंट टोटल y, है ना, कॉस थीटा ये कंपोनेंट ऐड करना स्टार्ट करिए, dl की जगह फिर से r d थीटा रखिए, k लैम्डा r कॉस थीटा हम लोगों ने पहले लिख लिया d थीटा बाद में लिख लिया ना, अच्छा लगेगा लिखने में थोड़ा सा ऐसा, आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास k लैम्डा अपान r कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा साइन थीटा, लिमिट फिर से वही जीरो से पाई, अच्छा देखिए क्या लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे माइनस आगे आ जाएगा ना, नहीं कॉस थीटा का इंटीग्रेशन ओनली साइन थीटा होता है, माइनस नहीं आएगा, क्या आएगा के लैम्डा अपान आर साइन पाई की वैल्यू जीरो माइनस साइन जीरो की वैल्यू जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे क्या आ जाएगा जीरो, मतलब ई वाई, ई वाई ये क्या आ गया हमारा जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड वाई की डायरेक्शन में यहाँ पर इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। अच्छा इस चीज़ को और क्लियरिटी के साथ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आप कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठेंगे तो वहाँ पर क्या करना होता है आपको, वहाँ पर आपको इतना सारी मैथमेटिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आपको थोड़ा सा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, है ना। अब देखिए आप इसको और फास्ट करने का तरीका मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए ये हमारा सर्कल है हाफ, है ना, देखिए अगर इसमें एक सिमेट्री है, अगर यहाँ पर कोई चार्ज है डी क्यू, है ना, तो उसके जस्ट अपोजिट आइए, यहाँ पर भी तो एक चार्ज है डी क्यू, है ना। अब ज़रा देखिए ये और ये, है ना, डिस्टेंस सेम है, चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड DE ये भी सेम है और ये भी दोनों तरफ मैग्नीट्यूड सेम है ना। अब इनके ये कंपोनेंट देखिए, ये भी थीटा है ये भी थीटा है, इनके ये कंपोनेंट दोनों सेम डायरेक्शन में जुड़ जाएंगे प्लस DE, तो ये हो जाएगा आपका 2DE हो जाएगा, है ना, 2DE हो गया। पर Y कंपोनेंट आप देखिए, इसका Y कंपोनेंट देखिए ये, है ना, ये X कंपोनेंट देखिए DE और यहाँ पे आपका हो जाएगा सॉरी थोड़ा सा और DE कॉस थीटा, ये भी डी ई कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा 2DE कॉस थीटा, दोनों जुड़ जाएंगे। पर इस डायरेक्शन में देखिए इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा DE साइन थीटा, और इधर भी क्या हो जाएगा DE साइन थीटा, देखिए दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, है ना, एक पॉइंट है इस पर इधर और इधर, दोनों क्या हो जाएंगे वेक्टर्स कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए कि दोनों चार्जेस इसी तरह से, अगर यहाँ पर जितना भी हमारा है ना, उतना यहाँ पर भी तो होगा, तो इसको
अब इसको फेस करने के लिए एक इक्विवेलेंट चार्ज दूसरी डायरेक्शन में भी है जो वाई के कंपोनेंट को हमेशा कैंसिल करता चलेगा, है ना। चाहे आप ऐसे समझ लीजिए तो आपको मैथमेटिक्स नहीं करना है, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको मैथमेटिक्स के थ्रू देखना पड़ेगा कि आपके कैसे कैंसिल हो रहे हैं चार्जेस। ओके, तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अगले लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ेंगे, बहुत से शेप हम लोग लेंगे, देखिए कैसे शेप हम लोग एक ऐसा शेप लेंगे कोई थीटा शेप का, ना। अब हमारा ये हाफ सर्कल नहीं है, किसी भी थीटा, जनरल थीटा ले लेंगे, है ना। हम लोग ये एक लाइन चार्ज लेंगे, लाइन चार्ज लेंगे, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, है ना। और एक वॉल्यूम लेंगे ये ऐसा फुटबॉल, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकालेंगे, है ना। बहुत सारे तरीके के हम लोग चार्जेस लेंगे, एक हम लोग चार्ज लेंगे तो इसी तरह से बहुत सारे, एक हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल को चार्ज से भर देंगे, इसकी वजह से सेंटर से इतनी ऊंचाई डिस्टेंस पर, यहाँ पर, यहाँ पर हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, उस पर यहाँ पर कोई चार्ज रखेंगे, उस पर फोर्स निकालेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। और अगले टर्न पर हम लोग पढ़ेंगे एक चीज़ और, इन सारे न्यूमेरिकल्स को करने से पहले हमें पढ़ना ज़रूरी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैं इस पर अभी कुछ भी बात नहीं करना चाहता हूँ, अगले लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। आप जब देखेंगे कि इसके यूजेस क्या हैं, इसको अप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको भी थोड़ा सा मैजिक जैसा लगेगा कि ये चीज़ों को और बहुत ही ज़्यादा आसान बना देता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक देखेंगे, यहीं पे बाइंड अप कर लेते हैं। तो मिलते हैं अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके, सो थैंक यू।